नमस्कार दोस्तों। तो आज मेरा गांव में दूसरा दिन है और आज गांव में हो रही है यहां पे सामूहिक मीटिंग, जिसमें कुछ मुद्दे रखे जाएंगे और एक समिति बनाने की भी बात की गई है। तो अभी आपको मैं मीटिंग से रूबरू कराता हूं कि क्या इसमें बातचीत हो रही थी और क्या इन्होंने मुद्दे और क्या सामूहिक मीटिंग के बारे में और सामूहिक समिति के बारे में जो बातें हो रही हैं वो कब बनेंगी। खाली घूमना सौ बोले भारत वाला या सब पैदा ला बोले सब बड़ा और पप्पू तो बोले पैदा ला जो अभी सड़कियों का आरो सेम आरो लोग ले ली जानो गांव आके वो इस कॉलम इस कॉलम के मतलब जो पहले पैसा मिला चीज को लेगा अरे बड़ा ये काम आप मांग मत तब बोले तब मरे शर्ट मना वो संगठन जो काम जो बोले काम कैसे बताओ कैसे करेंगे उसके लिए कैसे संगठन बनाओ तब बोले काम तो नहीं होता उन्हें बता लिया अब ये मीटिंग से पहले चाय नाश्ता और इनको सबको दिया जा रहा है, जिससे सबको बोलने में ताकत आए। ये सारे मुद्दे उसने आने चाहिए। अब वो बात बल है कि पहले शेर इकट्ठा करो, जिसके शेर है वही बन सकता है। वो कौन होता है भाई बोलने वाला? आप लोग भी बताओ अपने अपने विचार। हमारा विचार ये है कि एक समिति बने पूरे गांव में, जिसमें सब महिलाएं भी हो, वो है ना, और वो ही जो है, क्योंकि सब 10 आदमी होंगे तो सबकी गड़बड़ी रहती है फिर, मतलब
जब हम एक साथ अगर एक समिति होगी, जैसे मान लो मतलब एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं कि भाई हम 10 घर हैं, इसमें से एक एक आदमी होगा, ऐसे अगले 10 घरों में से एक आदमी होगा या दो होंगे, ऐसे ही हर हर 10 में से दो आदमी, एक उसमें लेडीज जेंट्स ऐसे कर लो जैसे कर लो, तो मान लो हमने 11 या 21 लोगों की एक समिति बना दी, ठीक है ना। अब कोई भी समस्या है, कोई भी वो है, उसके बारे में विचार हो रहा है कि भाई इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो समिति में 21 लोग हैं मान लो, जहाँ मेजोरिटी मतलब जहाँ ज़्यादा बहुमत होगा तो वो फैसला सबके लिए मान्य होगा, मतलब तो उसके हिसाब से ही कार्रवाई करी जाएगी आगे की, है ना। तो एक समिति जब तक नहीं बनेगी तब तक यहाँ हम जो है ये ऐसे ही जाते रहेंगे, दो इधर को जाएंगे, दो इधर को, दो बोलेंगे भाई ये करना है, दो बोलेंगे ये नहीं करना, दूसरा है ना, वो चलता ही रहेगा हमेशा हमारा। तो समिति रहेगी, समिति का ये होगा कि सब मिल के कि भाई ये ऐसा काम है, इसमें ये कर सकते हैं, इसमें ये नहीं हो सकता, है ना। तो जो मेजोरिटी होगी उसी के हिसाब से कार्यवाही करी जाएगी किसी भी काम की, है ना। दूसरा बाकी एक समस्या और है हमारी, मेरी समस्या कर लो या हमारे खोले की समस्या कर लो, उसके लिए भी थोड़ा आप लोग जो है हमें, जैसे हम कई बार मैं पूछता हूँ कि भाई नीचे उस सड़क का क्या हो रहा है, तो पता लगता है कि कुछ लोग नहीं मान रहे, कुछ मतलब जो है ना, अब जिनको सड़क पे चले गए हैं उनको लगता है कि भाई ये ऊपर 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 ना जाए ना, तो वो जो है उसमें थोड़ा सा हमें लड़ा को लगता है कि यार मतलब हमने तो मेरे ख्याल से हमारे लोगों ने तो नीचे नहीं बोला होगा उस समय जब बनी होगी कि भाई यहाँ से नहीं जानी चाहिए, ये जानी चाहिए, है ना। तो आज हमारी अब सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए यही हो रही है कि साला हमें 1.5 किलोमीटर ऊपर आना हो रहा है, पर बात इनसे की आज नदी में आपको नहीं देना, समिति में भी ऐसा होता है कि समिति में भी अगर 20 आदमी है, 15 एक तरफ हो जाए, 5 एक तरफ हो जाते हैं, तो 5 को जहाँ बहुमत है वही होगा, हर जगह का ये नियम ही होता है। बोल रहा कि 20 कहते हैं या 10 कहते हैं, ठीक है ना, उसमें कोई हम ऐसा फार्मूला रखे उसमें मतलब कि जिसका खेत है भाई वो उसको भी मतलब जो है वो अगर उसमें शामिल नहीं है, कहीं में समिति में शामिल नहीं है ना करने में शामिल है, परंतु उसका कुछ एक परसेंटेज उसमें फिक्स हो कि भाई मान लो उसके खेत में 10 किलो अनाज हो रहा है तो उसमें 1 किलो या 2 किलो जो भी मतलब समिति के हिसाब से फिक्स करके भाई उसको भी देना है ना। अब कई लोग मतलब जब करेंगे वो तो तब के होगा कि क्या समस्या आ रही है कैसे, है ना, और उसमें फिर जैसे होगा तो हर एक का ग्रुप बना के कि भाई आप यहाँ पे करो हम इधर करते हैं, मतलब ऐसे है ना, फिर उसमें हम कई चीज़ें कर सकते हैं, तार बाड़ हो गई है ना। मेरा तो विचार ये है कि हम अगर धीरे धीरे आज के टाइम में अब गवर्नमेंट तो कई चीज़ें दे रही हैं परंतु हम उसका फायदा नहीं उठा रहे, नहीं उठा पा रहे, वो सब मिसयूज हो रही हैं, है ना। 10 बार सोच के आएगा वो, अब कोई भी कदम उठाएगा 10 बार सोच के उठाएगा वो। अब जैसे आप बता रहे कि ये चोरी की समस्या है ना, हाँ। मैं कह रहा हूँ कि सबसे गंदी समस्या, मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी चीज नहीं है, आने वाले टाइम में बात है, बहुत बड़ी बात है ना। और आज के टाइम में अगर मतलब ऑन एन एवरेज बोलूँ ना, अब सोलर के वाले कैमरे आ रखे हैं, आप साला जो है और एक जगह उसका सारा सबका पता लग सकता है कहाँ पे क्या हो रहा है। गवर्नमेंट तुम्हें जो है आने वाले टाइम में ड्रोन भी देने वाली है, ड्रोन दे रही है कई कई जगह पे, पर वो बताओ जो कर पाएगा, जो कर पाएगा ना वो, ये जब कैमरे चोर चोरी से पहले आ जाएगा, उसमें चोरी से पहले उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा वो, होगा तो उसका समाधान होगा ना, कोई बात नहीं, चोरी कर जाता है।
कोई पढ़ा लिखा कोई नेता ये है कि एक समिति बनानी है, उसमें एक पूरे समिति बने गांव गांव की और उसमें सबका वो हो, मतलब भागीदारी हो, उसमें ही हो। और जो समिति के बाद अपने अपने सब समस्या रखेंगे तो हम अपनी समस्या ये रखेंगे कि भाई हमारे रोड के लिए कुछ करो। मेन रोड बोलो, मेन रोड नहीं, मेन रोड बात रोड की नहीं है, खाली खाली रोड रोड की बात नहीं है, और भी चीज है ना। ऐसा ना, पूरे हम ये जा रहे हैं कि हम कैसे आगे कुछ काम कर पाए खेती के से रिलेटेड, बाकी विकास का हो गया। तो जो है जगह निश्चित करे जाओ इलाका हम कर सको और हम कुछ बूथ सको, आसानी से वो होने वाला भी नहीं है। चकबंदी इतना बड़ा हुआ है कि वो आपस में सारे एक साथ कभी इकट्ठे होंगे भी नहीं, परंतु मेजोरिटी मेजोरिटी होनी चाहिए। यहाँ पे जहाँ पे दस लोग बोले कि हाँ ये काम होना या नहीं होना, तुमने ये क्यों लगाए? और हमने कहा गुरुजी ने हमारे को पहन दिया, हमने बच्चों के नाल डर था, बोलो रेलिंग लगा दिया। जब हमने पूछता रखा तो हमने रेलिंग लगा दी, तो कोई गलत किया हमने? ये डबल का हुडे लाना चाहे हम उतनी इच्छा क्या पर क्या पर ये कटा था हमारा वो निंदु छा हुआ दी कटा सुबह बकरी वो रेलिंग हम छाई नहीं था और तुम ले जाना था वो रास्ते में ट्रेन में था तो लगाना था 6.5 लाख का बजट था। अपना सोगा तो आएंगे बस वाड़े बड़े उपाड़े को दूसरा
तुम कब हो वक बड़े दिल्ली बड़े दिल्ली में तो गर्म होने के ठंड गामी नहीं वक्त चाय देते हैं अभी गर्म होनी चाय भी हाँ बोल जी आनो चलो जाओ हाँ हाँ जाने में लगी इधर ही चाह ले लो ले ले बड़ी चाह पी ले और चाह पीने तुम बोले चाह पीने तुम अरे तुम तो मना सचिवालय बड़े कोई सवाल मारा था कि होना है।